यकीन नहीं होगा आपको जब आप इस टनल के अंदर से गुजरेंगे कि आपके ऊपर से माँ गंगा बह रही है। अद्वितीय इंजीनियरिंग का पहचान है। यह टनल मात्र 60 दिनों में बनकर के तैयार हुआ है। गंगा नदी के ठीक 30 फीट नीचे यह टनल बना है, जिस पर से ट्रेन आने वाले समय में दौड़ेगी। हावड़ा में हुगली नदी के नीचे, हावड़ा में गंगा नदी के नीचे जो मेट्रो टनल बना है, उसी के अंदर से हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टेट बैंक का लोकल हेड ऑफिस है यहाँ, और इसी के सामने ये है फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो पूरा का पूरा जो है एक जहाज़ पर बना हुआ देख लीजिए। और इसके अंदर रेस्टोरेंट है जिसमें आप खाने पीने का लुत्फ़ उठा सकते हैं, सामने देख लीजिए। और होटल भी है, लोग रुक भी सकते हैं इसमें। फ्लोटिंग होटल एंड फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। गंगा नदी के ऊपर से हावड़ा ब्रिज बना है, इसी गंगा नदी के नीचे से मेट्रो ट्रेन गुजारने की तैयारी हो रही है। इस वीडियो में हम आपको आज उस टनल में लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे बना है और किस तरह से उससे उसके होकर ट्रेन गुजरेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो जगह है, ये इसका मेन एंट्रेंस है, जहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन में, इधर से देख लीजिए, सामने से एक्सेलेटर लगा है, इस एक्सेलेटर के जरिए भी आप जा सकते हैं और इस सीढ़ी के जरिए भी जा सकते हैं। ये पहला तल्ला है। कोलकाता मेट्रो में जो आप पेंटिंग देखते हैं दीवार पर, उस ठीक उसी तरह का, उसी आकृति का पेंटिंग इधर में होने लगा है। और ये ऊपर देख लीजिए, फॉल सीलिंग का निर्माण अब हो रहा है और ऑटोमेशन किया जा रहा है। इसमें एसी के जो पाइप्स हैं उसको फिट किए जा रहे हैं। सामने इधर में भी देख रहा हूँ, पेंटिंग्स लग रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो एरिया है, ये प्रथम तल से नीचे वाले तल्ले पर जाने के लिए, कितने फ्लोर का है ये? चार फ्लोर है ये। पहला फ्लोर पर से हम लोग सेकेंड फ्लोर पर जा रहे हैं, और इसके नीचे एक और फ्लोर होगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ भी इस तरफ में स्वचालित सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ये, जिसके ज़रिए आप जो है नीचे जा सकते हैं। ये तीसरा थर्ड फ्लोर है, इसके नीचे प्लेटफॉर्म है। इस फ्लोर पर क्या सब रहेगा? अच्छा, ये ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कई लिफ्ट्स हैं इसमें, 5 पैसेंजर्स के लिए और 2 ऑफिसर्स के लिए बनाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए सीधा आप फर्स्ट फ्लोर पर टिकट लेने के बाद यहाँ प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये देश का सबसे नीचे, ज़मीन के नीचे बना ये मेट्रो स्टेशन है। जी हाँ, हम हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं, और इस तरफ में ये जो सामने दिख रहे हैं आप, यही वो टनल है जो गंगा नदी के नीचे से होते हुए मेट्रो ट्रेन को सीधा इस प्लेटफॉर्म तक लेकर के आएगी। 2 प्लेटफॉर्म है यहाँ, एक इस तरफ जहाँ हम खड़े हैं और दूसरा उस तरफ में। वो देखिए, 2 रेलवे लाइन है, एक उधर से रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की उस तरफ में भी प्लेटफॉर्म है, रेलवे लाइन की इस तरफ में भी प्लेटफॉर्म है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बीच वाला एरिया है, और इस तरफ में फिर से रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की उस तरफ में भी एक प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, कि आप यहाँ पर कहीं से भी, जब तक ट्रेन ना आए तब तक आप ट्रैक पर नहीं जा सकते, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। हावड़ा में हुगली नदी के नीचे, हावड़ा में गंगा नदी के नीचे जो मेट्रो टनल बना है, उसी के अंदर से हम आपको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शानदार टनल है। इसके नीचे देखिए पटरियाँ बिछ गई है, और पटरियों के बगल में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, ये वाला जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पटरी लगती है, वो भी बिछ गया है। और सामने देख लीजिए, फायर फाइटिंग के लिए पाइपलाइंस लग गए हैं, और आपको रेस्क्यू करने के लिए जो कॉरिडोर बनेगा, ये कॉरिडोर भी बन करके तैयार है। ये वाला ये रेस्क्यू कॉरिडोर है, जिस पर से अगर कहीं भी ट्रेन रुकती है तो आप पैदल चल करके इस पर से स्टेशन पहुंच सकते हैं। सामने ये देखिए, आपको यहाँ से जहाँ तक कैमरा देख पा रहा है, पूरा टनल सीधा यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है। ये देखिए सामने, पूरा यहाँ से वहाँ टनल दिखाई दे रहा है। देश का सबसे पहला किसी नदी के नीचे से रेलवे टनल बना है, जिस टनल के नीचे से मेट्रो ट्रेन गुजरेगी। समझ लीजिए, देशवासियों के लिए वो पूरा गौरवान्वित करने वाला पल होगा, जब पहली बार इससे ट्रेन गुजरेगी। वो क्षण जब किसी टनल के अंदर से, गंगा नदी के ठीक 30 फीट नीचे से गाड़ियां जब चलेंगी या ट्रेन चलेगी, तो समझ लीजिए वो ऐतिहासिक जर्नी में जो भी लोग होंगे उसको कितना गौरवान्वित होता होगा। तो एक बार फिर से हम उस जगह पर हैं जिसको दिखाने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए सामने, यहाँ से गंगा नदी शुरू हो जाता है, हुगली ने रिवर्स स्टार्ट। तो देशवासियों के लिए बहुत ही बड़ा गौरवान्वित करने वाला वो पल होगा, जब माँ गंगे ऊपर से बह रही होगी, नीचे से आप ट्रेन से जा रहे होंगे। हमेशा गंगा नदी नीचे से बहती है और आप ऊपर से यात्रा करते हैं, पहली बार ऐसा होगा माँ गंगे ऊपर बह रही होगी और आप नीचे से यात्रा कर रहे होंगे। देख लीजिए, हुगली रिवर स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से हुगली नदी स्टार्ट हो रही है, यानी गंगा नदी यहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर ऊपर माँ गंगे बह रही है और नीचे ये टनल है। तो ये वो टनल है जो सीधा गंगा नदी को, या कलकत्ता में कहिए हुगली नदी को, सीधा अंदर से आपको पार करवाएगी, नीचे से आप यात्रा कर पाएंगे इस पर। और एक बार हम दोनों ट्रैक के बीच में जो ये जो जगह बना है, जो
इसके मेंटेनेंस के लिए जो लाइन बनाए गए हैं जो इंजीनियर्स को चलने के लिए, उसी लाइन पर चलते हुए हम आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ लीजिए गौरवशाली पल, हम जब नीचे से चल रहे हैं ना तो ही हमें पता नहीं क्या फील हो रहा है, समझ लीजिए कि कैसा ये पल है जब हम माँ गंगा ऊपर बह रही है और नीचे नीचे हम यात्रा करते हुए आपको ले करके चल रहे हैं। जब इस पर ट्रेन चलेगी तो समझ लीजिए क्या होगा। आगे जब हम जाएंगे तो जहाँ इसका पॉइंट ख़त्म होता है वही फूल मार्केट है हावड़ा का। ऊपर जो है ना फूल बिकता है, पूरे देश में यहाँ से फूल जाता है, समझ लीजिए उसका पॉइंट यहीं पर है। आगे जैसे रिवर ख़त्म होगा वो जगह आ जाएगा और इस टनल के बीच में एक जगह ऐसा पॉइंट है जहाँ आप इस टनल से सीधा उस तरफ वाले टनल में, यानी हम दाएं तरफ वाले में हैं और इधर से उस तरफ वाले टनल में आप जा सकते हैं। उसके लिए एक ऐसा पॉइंट बनाया गया है आगे में ताकि कभी कोई दिक्कत हो मेंटेनेंस के लिए, बीच में अगर ट्रेन दोनों फंस जाती है तो इस तरफ से उस तरफ किसी को जाना हो तो कैसे जाएगा, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया। टनल को बीच में एक दूसरे टनल से जोड़ दिया गया है। समझिए हमें पिछली बार हम आए थे तो हमें बताया गया था यह टनल मात्र 60 दिनों में बनकर के तैयार हुआ है। समझिए आपकी अद्वितीय इंजीनियरिंग का पहचान है। लोग कहते हैं कि इंडियन इंजीनियर्स कुछ नहीं करते, अरे भाई ऐसा टनल बना दिया हमने, समझिए करते नहीं तो फिर बना कैसे है। और देश में अद्वितीय कई काम हो रहा है, आप अटल टनल देख लीजिए 10 किलोमीटर लंबा टनल, देश में पहली बार चिनाब ब्रिज देख लीजिए विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बन रहा है। सामने ये देख लीजिए ये जो ऊपर लगा है ये जीपीएस सिग्नल देगा, जब ट्रेन इसमें चलेगी तो इसमें जो ड्राइवर होगा उसको डिस्टेंस बताएगा कि कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी पहुंच गई है। उसके लिए लोकेटर यहाँ लगाया गया है, अलग अलग जगह पर जीपीएस लोकेटर जो है खासकर ट्रेन चलाने के लिए, ट्रेन के कमांडिंग के लिए लगाए गए हैं। तो आपको बता दें कि हावड़ा स्टेशन की तरफ चलते हुए हम यहाँ हुगली नदी के बीचों बीच आ गए, ऊपर नदी बह रही है उसके बीच में हम खड़े हैं और ये सीधा लाइन यहाँ से राइटर्स बिल्डिंग की तरफ यानी महाकारण की तरफ आपको लेकर के जा रही है। यकीन नहीं होगा आपको जब आप इस टनल के अंदर से गुजरेंगे कि आपके ऊपर से माँ गंगा बह रही है। गंगा नदी के ठीक 30 फीट नीचे ये टनल बना है जिस पर से ट्रेन आने वाले समय में दौड़ेगी। आपको सीधा हुगली नदी पर जो ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज है उसके समानांतर इस टनल का निर्माण हुआ है। समझ लीजिए अपने आप में इतना गहरा वो ब्रिज है जिसके बीच में कोई पिलर नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए दो किनारों पर दो पिलर को बनाए गए और उस पर से इस हावड़ा ब्रिज का निर्माण हुआ है। उस नदी के नीचे एक शानदार टनल बना दिया देश के इंजीनियरों ने और जिस पर आने वाले समय में ट्रेन दौड़ेगी उसकी तस्वीरों को हम रिकॉर्ड करने आए हैं। समझ लीजिए आप घंटों की दूरी मिनटों में तय होगा, यानी हावड़ा से चलेंगे तो धर्मतला 8 मिनट में और 11 मिनट में सियालदह। इसकी तैयारी हो रही है और जल्दी इस ट्रैक पर जब ट्रेन दौड़ेगी तो उन तस्वीरों के साथ भी हम आपके लिए यहाँ पहुँचेंगे और तस्वीरों को रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ के बाद हम किसी और स्टेशन को भी कवर करेंगे इसी मेट्रो कॉरिडोर के लिए, उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा आप। हमने इससे पहले भी दिखाया था आपको कि कैसे यह टनल का निर्माण हुआ और कैसे इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ जा करके उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।